हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूएसटी अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 10 का अध्याय 4 द्विघात समीकरण कराने जा रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। आज हम समीकरण की मूल याद करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स माइनस एक बटी एक्स बराबर 3 पर एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, तो हमें पहले समीकरण को सही से जमाना है। इसके बदले में एक रख दी बराबर 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक का एक में हुआ तो एक बटे एक्स का एक में हुआ तो एक्स बराबर 3 स्क्वायर माइनस एक भाग में दिया है इधर जाएगा तो गुणा में तो हो जाएगा 3x। अब इसका पक्षांतर इधर कर देंगे तो जी माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक माइनस 3x। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर इसको सही से कर देंगे माइनस माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से भी कर सकती हूँ और सीधे धराचार सूत्र से भी। गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर नहीं आते, एक्स बराबर बी माइनस धराचार्य सूत्र एक्स बराबर बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे। अब इस सूत्र में हम इसको रख देंगे तो इस सूत्र में एबीसी का मान चाहिए तो पहले एबीसी का मान निकालेंगे। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 3, सी बराबर माइनस 1। इनको हम यहाँ रखेंगे माइनस बी स्क्वायर भी दिया है माइनस 3 माइनस पहले से दिया है माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 ए दिया है 1 और सी दिया है माइनस 1 बटे 2a एक्स बराबर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 9 इधर आ जाएगा 3 तिरका 9 प्लस 4 एकम 4 बटे 2 का एक होगा तो 2 एक्स बराबर 3 प्लस माइनस 9 चार जुड़ेंगे तो आ जाएगा बटे 2 एक्स का मान आ गया इसको एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस तो एक्स बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 2 एक्स बराबर 3 प्लस रूट 13 बटे 2। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।